यूपी के कासगंज में महज 200 रुपयों के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी को चलती ट्रेन से फेंका, रेलवे पुलिस पर लगा आरोप। राष्ट्रीय खिलाड़ी के महिला कोच में बैठने से बिगड़े थे आरोपी पुलिस वाले, मौके पर ही पीड़ित खिलाड़ी की मौत। दिल्ली में सामने आई दर्दनाक हादसे की तस्वीर, विवेक विहार में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार बीबीए के छात्र को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैमरे में कैद तस्वीर। टक्कर के बाद करीब 9 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा पीड़ित छात्र, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, तमाशबीन बनी रही भीड़। 20 जुलाई को रात करीब 11:30 बजे हुआ हादसा, 10 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया। हादसे में दूसरी स्कूटी पर सवार 3 और लोग जख्मी, आरोपी कार चालक का अब तक कोई सुराग नहीं। कुल्लू के मणिकरण में भीषण सड़क हादसा, 55 पर्यटकों से भरी बस पार्वती नदी में गिरी, 5 शव बरामद। चश्मदीदों ने कई शव नदी में तैरते हुए देखे, 18 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पंजाब के रहने वाले थे अधिकतर पीड़ित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आतंकियों के निशाने पर, 15 अगस्त को आतंकी आजादी के चश्म में डाल सकते हैं खलल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक 15 अगस्त के दिन लाल किले पर हो सकता है आतंकी हमला, 5 आतंकी संगठनों ने रची साजिश। याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी संगठन नाराज, फोन कॉल और ईमेल इंटरसेप्ट से हुआ साजिश का खुलासा। 30 जुलाई को फांसी की सजा से बचने के लिए कोशिशें जारी, याकूब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेथ वारंट को दी चुनौती। याकूब मेमन से नागपुर जेल में मिले उसके घर वाले, मुलाकात के बाद कहा सब अच्छा होगा। याकूब मेमन फांसी की तारीख करीब आने के साथ साथ बढ़ा बवाल, ओवैसी ने कहा मुस्लिम होने की वजह से फांसी। मजहब से मत जोड़िए, बैन सिंह के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जाती, राजीव गांधी के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जाती, इसलिए कि वहां पर जो रीजनल पार्टी है वो उनकी ताईद कर रही है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने रुख पर कायम। सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस, कहा इस्तीफे के बाद ही चलने देंगे सदन की कार्रवाई। बीजेपी का आरोप, जानबूझकर बहस से भाग रही है कांग्रेस, विपक्ष चर्चा नहीं सिर्फ हंगामा चाहता है। केजरीवाल सरकार ने जारी किया एक और पोस्टर, लिखा प्रधानमंत्री जी प्लीज हमें काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। व्यापम घोटाले के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा वो जन्मजात षड्यंत्रकारी है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, विराट कोहली होंगे कप्तान, अमित मिश्रा और हरभजन सिंह को भी मौका, कर्ण शर्मा और मोहम्मद शमी को नहीं मिल पाया मौका, चोट की वजह से दोनों टीम से बाहर।